आज मैं बनाने जा रही हूँ धनिये की पंजीरी, जो जन्माष्टमी में बनाई जाती है। तो उसके लिए पहले मैं गैस जलाऊंगी। इसमें एक चम्मच के करीब घी डाल रही हूँ। पहले इसमें भूनूंगी। ये एक कटोरी मैंने धनिया लिया है पिसा हुआ, इसको भून रही हूँ। गैस को सिम में रखेंगे। ये धनिया हमारा भुन गया है, इसने रंग बदल दिया है, और इसको मैं अब निकाल देती हूँ। इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे, आधी चम्मच के करीब। और इसमें डालेंगे पहले बादाम, ये मैंने चॉप कर लिए थे, थोड़े से काजू और थोड़ा पिस्ता। पहले इसको भून लेते हैं। ये मेवे भी हमारे भुन गए हैं, ये भी निकाल लेती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे। इसमें डालेंगे किशमिश। गैस को सिम में ही रखेंगे। ये किशमिश भी भुन गई है, इसको भी निकाल लेते हैं। और अब डालेंगे इसमें खरबूजे के बीज। ये चटकने लगेंगे जब भुनेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी सी चिरौंजी और इसी में थोड़ा सा नारियल पाउडर। ये मेवे भून गए हैं, इनको निकाल लेती हूँ। ये तैयार हो गया है हमारा सब भून भुना के। और अब मैं इसी में एक कटोरी डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी, इसको भी मिला लेते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का प्रसाद बनके तैयार हो गया है। ये धनिया के पाउडर का प्रसाद बनाया। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।